नमस्कार, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज आपके जो जुलाई माह में जो स्थितियां परिवर्तित होने जा रही हैं, ये 3 वर्ष के कष्टों से आपको निकालने के लिए बनी हुई हैं। क्योंकि ऐसा कहा जा सकता है कि खुशियां आपके द्वार पर दस्तक दे रही हैं, बस आपको द्वार खोलना है। तो यहाँ पर जो आपके 3 वर्षों से 7.5 का दौर चल रहा है, और यह यहाँ पर 5-6 माह जो राशि परिवर्तन के शनिदेव के रह गए हैं, तो अब यह समय जो है आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। कुछ परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली है। तो यह है आपके लिए स्थितियाँ किस तरीके की रहेंगी, तो आपको क्या करना चाहिए इस समय पर और क्या नहीं करना चाहिए, आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, आपके जीवन में क्या उपाय करके इन प्रभावों को बढ़ाया जा सकता है, इस वीडियो में पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। इससे होता क्या है कि हमें पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं, और हमें बहुत हौसला भी मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ 29 जून से आपकी जो स्थितियाँ हैं वो निर्मित होनी प्रारंभ हो गई हैं। 29 जून को आपकी राशि के जो लाभ भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं हर व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि ये दशम और एकादश भाव के कारकत्व तो होता है इनके पास। दशम भाव किस चीज़ का होता है, आपके कर्म का होता है। एकादश भाव होता है आपके लाभ का। लाभ ना हो जीवन में तो जीवन जो होती है रसहीन हो जाती है, कोई जीवन में रस ही नहीं रह जाता। तो जिंदगी जो है आपकी इस समय पर बहुत ही सुख वर्धक होने वाली है। तो यहाँ पर शनिदेव जब वक्री होंगे तो ग्रह का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो भी ग्रह वक्री होता है उसका प्रभाव कह सकते हैं 100 गुना बढ़ जाता है। यहाँ पर 100 गुना बढ़कर आपके प्रभावों में विशेष वृद्धि हो रही है इस समय पर। विशेष वृद्धि क्या, आपके जीवन में इस समय जो परिवर्तन हो रहे हैं बहुत रेयर हैं। देखिए, मैंने एक वीडियो डाला था कि 500 वर्षों बाद, तो वह वीडियो कल मैंने डाला था। अभी तक अगर आपने नहीं देखा है, वो शुक्र और बुध का जो विशेष राजयोग बन रहा है उसके बारे में डाला था। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर जो शनिदेव जब वक्री होंगे तो ये आपको मकर राशि का भी प्रभाव देंगे, एक भाव पीछे का भी। मकर राशि इनकी स्वयं की ही राशि है और लाभ भाव में पड़ती है। लाभ आपका इस समय पर बहुत बढ़ेगा। दूसरा क्या है, ये नागमणि लक्ष्मी नारायण राजयोग जो बन रहा है ये, और सुख यहाँ पर स्वयं भावी हो रहे हैं। रेयर राजयोग, यानी कि यहाँ पर जब भी शुक्र पर राहु का संबंध हो जाए नागमणि राजयोग बनता है। अब नागमणि आप स्वयं जानते हैं कि बहुत दुर्लभ होती है, बहुत कम ऐसा योग होता है कि शुक्र बुध एक साथ बैठे हों, शुक्र पुष्य नक्षत्र में हो और उस पर राहु की दृष्टि हो। आप जब ये यहाँ आपके ज्ञान भाव में बैठेंगे तो सीधे देखेंगे आपके लाभ को। जब ये आपके लाभ को देखेंगे, इस समय सबसे बड़ी बात तो यह है, इस समय आपकी संतान जो है आपको बहुत प्रफुल्लित करने वाली है। आपका ज्ञान इस समय पर, ज्ञान का प्रकाश चहुं और फैलेगा, क्योंकि ज्ञान जो है आपका चारों ओर से आपको प्रकाशित कर रहा है। सूर्यदेव जो इस समय चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, सुख भाव में, आपके घर के सुखों को बढ़ा रहे हैं। तेजस्वी ग्रह हैं, त्रिलोकी को प्रकाशित करने वाले, आपके सुख को प्रकाशित कर रहा है, यानी आपके घर में लग्जरी चीजें आ सकती हैं। आपके घर की इस समय पर आया पलट हो सकती है। जब दशम पर इस कर्म भाव की दृष्टि जाएगी तो शासन प्रशासन से आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। अधिकारी वर्ग इस समय आपसे पूर्णतया प्रभावित होगा। अधिकारी वर्ग से यदि इस समय पर आपको कोई कार्य निकलवाना है तो वो इस समय पर आप निकलवा सकते हैं। जॉब को स्विच करना चाहते हैं, स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सुखद स्थितियाँ आपके लिए निर्मित हो रही हैं। सुखद स्थितियों का आपको इस समय पर, देखिए, भाग्य भाव भी इस समय पर आपका प्रबलता से साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय यदि आप घर में कोई मांगलिक कार्य करवाते हैं तो आपको विशेष लाभ वृद्धि होगी। इस समय आपके राहु को, जो आपके राहु इस समय पर आपके लग्नगत बैठे हुए हैं, वो एक रहस्यमयी व्यक्तित्व का स्वामी आपको बना रहे हैं। एक रहस्यमयी व्यक्तित्व का स्वामी आपको जब बना रहे हैं तो राहु आपके, राहु की एक विशेषता होती है, राहु स्वयं गुप्त रहते हैं।
राहु के रहस्य जब आप गोपनीय रखते हैं, यह चीज मैं आपको पिछले कई वीडियोस से बता रही हूँ, जो लोग भी कहते हैं कि मुझे लाभ नहीं मिला, इस चीज को ध्यान से सुने कि जब आप अपने रहस्यों को गोपनीय रखते हैं, आप अपनी एक्टिविटी को, अपनी जो रणनीति है उसको किसी के साथ शेयर नहीं करते, आपको 100% लाभ मिलता है, रिजल्ट आपके पक्ष में आता है। जब आप किसी के साथ भी शेयर कर देते हैं अपनी रणनीति को, अपनी योजनाओं को, तो उनका लाभ आपको नहीं मिलता है। सबसे शुभ स्थिति यहाँ पर बना रहे हैं केतु। गुरु के साथ पंचम नवम का संबंध, क्योंकि केतु अब राहु के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। केतु यहाँ पर सप्तम हाउस में बैठकर आपके व्यापार को बढ़ा रहे हैं। केतु परम वृद्धि कारक ग्रह हैं, शुभत्व से इस समय पर भरे हुए हैं। यहाँ पर आपके जो ये माह है विशेष परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है, क्योंकि देखिए शुक्र और बुध दोनों ही अस्त अवस्था में थे। 29 जून को बुध उदित अवस्था में आए हैं और उदित अवस्था में आने के बाद इन्होंने आपको प्रभाव देना प्रारंभ कर दिया। थोड़े से इस समय पर आपको प्रॉब्लम्स तो होंगे, थोड़ा आपका जो है मन स्थिर नहीं दिखेगा, किंतु इस समय पर सुखों में वृद्धि होगी। कभी आप देखिए दाएं भी जाना चाहेंगे, बाएं भी जाना चाहेंगे, तो ये स्थिति बनी रहेगी। लेकिन यदि इस चीज़ पर आप नियंत्रण कर लेते हैं, तो जो चीज़ इस समय पर आप करना चाहते हैं, जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, उस कार्य में आपको 110% सफलता मिलेगी। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें पूर्ण फोकस्ड होना बहुत जरूरी होता है। वहीं सूर्यदेव अपना 15 तारीख को राशि परिवर्तन करके वो भी ज्ञान भाव में आ जाएंगे, तो ज्ञान भाव में यहाँ पर बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। आपके अष्टम भाव के स्वामी होते, एक दो बार आपको विफलता तो हर कार्य में देखने के लिए मिलेगी ही, क्योंकि आपके जीवन में संघर्ष जो बढ़ाने का कार्य करते हैं, आपके शत्रु बनाने का कार्य करते हैं, सूर्यदेव करते हैं। इस समय कुछ निगेटिविटी थोड़ी सी आपके घर में भी देखने में आई है। आपके घर में पिता के साथ आपकी थोड़ी सी मतभेद की स्थिति बनी है, माता का स्वास्थ्य खराब हुआ है, ये स्थितियां आपको इस समय पर देखने में मिली हैं। तो बहुत सुखद स्थितियां बनी हुई हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़े से अब उपायों की तरफ भी चले जाना चाहिए। शुक्र जो इस समय पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, शुक्र का बल बढ़ाने के लिए, क्योंकि शुक्र इस माह आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देते हुए देखे जाएंगे। शुक्र क्योंकि दैत्य गुरु हैं और शनिदेव शुक्र के परम मित्र हैं, राहु केतु भी शुक्र का ही अनुसरण करते हैं क्योंकि ये इनके गुरु हैं, तो यहाँ पर शुक्र के प्रभाव को बढ़ाने के लिए ओम सुन शुक्राय नमः, माता लक्ष्मी की जितनी आराधना कर सकते हैं करें। माता लक्ष्मी को पंचामृत का नित्य प्रति भोग लगाएं, सेहत का सेवन करें, साथ ही साथ कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। छोटी कन्याओं को, 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को कुछ मीठा खाने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को दें। महिलाओं को आप इत्र की एक बोतल प्रत्येक शुक्रवार को दे सकते हैं। कभी किसी महिला को अपशब्द ना कहें, यदि आपको कुछ कहना भी है तो उसे शालीनता से, संयम से कहें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।